हेलो गाइज, टेक्निकल वुमन बॉस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने नोटबुक जैसी पेज वाली जो शीट है वो आप एमएस वर्ड में बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि एक एक चीज़ मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। अगर आप बीच में वीडियो स्किप कर करके देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को मत देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक एक चीज़ बताऊँगा। जब तक आप कंप्लीट स्टेप नहीं फॉलो करेंगे, जब तक आप इसको नहीं बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेप रहते हैं जो कि आपको जो आने चाहिए और सीखने चाहिए। क्योंकि अगर आप बीच में स्किप करके मेरे वीडियो क्या कोई भी वीडियो स्किप करके देखेंगे उसमें कोई भी समझ में नहीं आएगा, सही तरीके से आप वर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको एंड तक जरूर देखिए अगर आप इस वीडियो में आए हैं तो। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसको क्लोज करता हूं और यहां पे मैं एक नई शीट ले लेता हूं, जिस टाइप से आप एमएस वर्ड को ओपन करते हैं, न्यू क्रिएट करते हैं तो इस टाइप से आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाता है। एमएस वर्ड जैसे ही आप ओपन करेंगे तो पेज लेआउट वाला ये ऑप्शन आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आपको काम यही करना है, पेज लेआउट पर क्लिक करके साइज वाला ऑप्शन पर आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, साइज वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो आपका ये पेज इस टाइप से खुल जाएगा। उसके बाद आपको नीचे की साइड मोर पेपर साइज व्यू वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है सबसे नीचे, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप मोर पेपर साइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको सबसे फर्स्ट नंबर पे जो ऑप्शन है मार्जिन वाला, इस पर आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप मार्जिन वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये जो वन जहाँ जहाँ लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पर आपको जीरो लिख देना है। इसका भी मैं आपको कारण बताता हूँ, आप इस पर जीरो क्यों लिखेंगे। जीरो इसलिए लिखना है क्योंकि आपको इसको मार्जिन को जीरो करके आप जो इसका कर्सर है सबसे फर्स्ट नंबर पे ला सकते हैं। आप देख पाएंगे कि जो मेरा कर्सर बीच में आ रहा था वो जीरो करने के बाद मेरा फर्स्ट नंबर पे बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू हो जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मेरा स्टार्टिंग से यहाँ से शुरू हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पर अपनी जो टेबल है वो बनानी है। तो आपको टेबल क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इंसर्ट वाला जो ऑप्शन है आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इंसर्ट वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेबल का ये ऑप्शन है आपको क्लिक करना है यहाँ पे, और जो साइड वाली लाइन है आपको इसी को फॉलो करना है। आप अगर दूसरी वाली लाइन को कॉलम वाली लाइन को फॉलो करेंगे तो आपके जो इसमें कॉलम भी बन जाएंगे, लेकिन आपको खाली रोज़ बनानी है। आप यहाँ पर रोज़ ही सेलेक्ट करें, जैसे ही आप रोज़ सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर तो आपकी यहाँ पे सारी रोज़ बन जाएंगी। अब इनका जो साइज़ है थोड़ा सा छोटा है, हमें इसको साइज़ को भी मेंटेन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको साइज़ को मेंटेन करने के लिए आपको जाना है सबसे ऊपर लेआउट वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको लेआउट वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही जाएंगे तो आप इसका साइज़ को मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे हो रहे हैं, इतने छोटे अक्षरों में नहीं लिख पाएंगे। कॉपी के लिए जो साइज़ होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कॉपी के साइज़ के लिए आपको यहाँ पे लेआउट से पहले यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट जैसे ही आप करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ही ये सब चीज़ रहेंगे, वरना एक लाइन छोटी एक लाइन बड़ी हो जाएगी। सेलेक्ट करने के बाद लेआउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेआउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हाइट जो है 0.19 है, यहाँ पे आपको 0.37 यहाँ पे कर देने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ पे 0.37 यहाँ पे हाइट को कर देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरी जो हाइट है इस लाइन की वो सेलेक्ट हो जाती है। देख सकते हैं यहाँ पे हाइट मेरी सेलेक्ट हो चुकी है। ध्यान रहे फ्रेंड्स, यहाँ पर बिना आप सेलेक्ट करें यहाँ पे आप ये जो लेआउट वाले ऑप्शन में हाइट जो करिए वो सेलेक्ट सही तरीके से नहीं होगी, वरना तो आपको परेशानी आ सकती है। आप सेलेक्ट ज़रूर कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, अब मेरा यहाँ पे काम हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, ये जो लाइन है ऊपर की वाली, जैसे आप कॉपी में लाइन देखी होगी ऊपर लाइन का जो स्पेसिंग रहता है आपको स्पेस मैनेज कर लेना है, थोड़ा सा नीचे ले आना है। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लाइन को खींच के नीचे की साइड ले आया हूँ, माउस से आपको नीचे की साइड खींच के ले आना है तो आपकी जो लाइन का स्पेस है जो कॉपी में आपने देखा होगा उसका स्पेस यहाँ पर बन जाता है सही तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा लाइन का स्पेस यहाँ पे बन चुका है। अब आपको नीचे की साइड आना है, नीचे की साइड आपको अपना कर्सर को यहाँ पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे माउस के कर्सर क्लिक कर देना है, नीचे की साइड देख सकते हैं ब्लिंक हो रहा है। अब आपको अपने कीबोर्ड में टैब बटन को प्रेस करते जाना है, जितनी भी आपको लाइन बनानी है आप जितनी बार टैब वाले ऑप्शन को प्रेस करेंगे उतनी आपकी लाइन बनती चली आएंगी। मेरी नीचे तक यहाँ पर लाइन बन चुकी है, इसका मतलब मेरा जो पहला ये पेज है वो अभी आधा क्रिएट हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे मेरा आधा क्रिएट हो चुका है। अब बात आती है हमारी जो दो लाइन होती हैं वो किस टाइप से आपको यहाँ पे लगानी है, तो उसको लगाने के लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे
यहाँ पे जो आपको लाइन जो लगाते हैं हम रेड कलर की जो लाइन होती है क्रॉस में, वो लगाने के लिए आपको जाना है इंसर्ट वाले ऑप्शन में। जैसे ही आप यहाँ पे इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा शेप्स वाला, शेप वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है आपको। और यहाँ पे एक लाइन वाला ये ऑप्शन है, लाइंस वाले जो ऑप्शन है उसमें सबसे पहला नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लाइन के लिए, लाइन बनाने के लिए वो रेडी हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे लाइन थोड़ा सा ये ऊपर लेके आपको यहाँ पे लाइन सेलेक्ट करनी है। लाइन जैसे ही आप माउस को दबाए रहेंगे, माउस को दबाने से पहले आप शिफ्ट वाले बटन को ज़रूर दबाए रहें, क्योंकि उससे जो सीधी लाइन है वो सही तरीके से क्रिएट होती है। देख सकते हैं मैंने माउस नीचे ला रखा है लेकिन वो शिफ्ट का बटन दबाने से वो सीधे ही सीधे लाइन आ चुकी है। अब ये जो ऊपर वाली लाइन हमारी बनी है इसका हमें कलर चेंज करना है, क्योंकि हमें तो रेड रखना है, यहाँ पे ब्लैक हो सेलेक्ट हो रखा है। हमें यहाँ पे रेड को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं शेप आउटलाइन ये वाला ऑप्शन है ऊपर की साइड, आपको शेप आउटलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे रेड को सेलेक्ट कर देना है। ध्यान रहे फ्रेंड्स, ये जो ऑप्शन आता है आपको जो आपने लाइन सेलेक्ट करी होगी उसके ऑप्शन में ही ये ऑप्शन खुलता है, फॉर्मेट वाले ऑप्शन में आता है शेप आउटलाइन वाला। उसके बाद आप दोबारा से इसे सेलेक्ट करके ये वेट वाले ऑप्शन पे जाइए और यहाँ पे 1.2 PT इसको सेलेक्ट जरूर कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका साइज सही तरीके से मेंटेन हो जाता है। ये आप शेप आउटलाइन में दोबारा से जाके आप इसे 1.2 वेट वाले ऑप्शन में यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपकी एक लाइन यहाँ पे बन चुकी है। अब आपको साइड में क्रॉस वाली लाइन भी बनानी है, उसको भी बनाने के लिए आपको दोबारा से वही स्टेप फॉलो करना होगा जैसे कि हमने यहाँ पर करा था होम बटन में जाके। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दूसरी लाइन जो आपको बनानी है उसके लिए आपको वही शेप लेनी है जैसे कि आपने अभी ली थी, जैसे ही आपने लाइन अभी ली थी उसी तरीके से यहाँ पे आपको यहाँ पे इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाके और यहाँ पे शेप वाले ऑप्शन पे क्लिक करके लाइन वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करके दोबारा से आपको यहाँ पे लाइन बना लेनी है। अब बहुत सारे कंप्यूटर में ये प्रॉब्लम रहती है, आप जैसे नीचे की साइड स्क्रॉल करेंगे देख सकते हैं मेरा ये भी प्रॉब्लम आएगी। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे मैं नीचे की साइड स्क्रॉल करा तो ये लाइन जो है नीचे तक नहीं खींचती है, मतलब ऑटोमेटिकली नीचे तक नहीं आती। उसके लिए हम क्या करें, तो उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, आप अपने जो PC है उसका जो ये जूम आउट कर रखा है आप उसे कम कर लीजिए, इसको माइनस कर लीजिए, जो कि आपका पेज अच्छी तरीके से यहाँ पे दिख पाए और आप अच्छी तरीके से यहाँ पे लाइन खींच पाएँ। लाइन खींचने के बाद फिर आप आसानी से इसे जूम कर लीजिए। आप दोबारा से इसे शेप करिए, बैक करके मैं दोबारा से करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं लाइन यहाँ पर खींच लेता हूँ। ध्यान रहे फ्रेंड्स, लाइन खींचते समय आपको शिफ्ट वाला बटन जरूर दबाना है, उससे लाइन सीधी खींचती है। यहाँ पर मैंने लाइन यहाँ पर खींच ली है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरे लाइन सही तरीके से खींच चुकी है। अब मैं इसको ये जूम आउट कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे जूम कर लिया है उसके बाद यहाँ पे जो मेरी लाइन है इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जो शेप आउटलाइन है इस पे दोबारा से क्लिक करना है और यहाँ पे रेड वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो मेरी लाइन जो है ये रेड हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी लाइन रेड हो चुकी है। अब बात आती है कि हमारी जो लाइन है इसमें डबल लाइन किस टाइप से लाएँ। उसके बराबर में आपने देखा होगा कि लाइन के बराबर में एक डबल लाइन होती है, वो किस टाइप से मैनेज करनी है, उसको करने के लिए आपको यहाँ पे कंट्रोल के बटन को दबाना है और एक प्लस का बटन यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल के बटन को दबाने पर ही छोटा सा प्लस का बटन आ चुका है, उसको फिर माउस से प्रेस करे रहिए और ऊपर को लाइन को सेलेक्ट कर दीजिए। जैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरी लाइन भी मैं करूँगा, कंट्रोल के बटन को दबाइए, यहाँ पर प्लस का बटन जैसे छोटा सा दिखे उसके बाद आपको लाइन को थोड़ा सा सरका देना है इधर की साइड। जैसे ही आप सरकाएंगे कंट्रोल के बटन को दबाने पर ही होगा ऐसा, वरना तो नहीं होगा। जैसे ही आप यहाँ पे कंट्रोल के बटन को दबा के छोटा सा प्लस के बटन को जब दिख जाए, जब ये आपको कंट्रोल के बटन को दबा के आपको लाइन को सरका देना है तो आपकी यहाँ पे मैनेज हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं लाइन अच्छी तरीके से बन चुकी है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो डेट और पेज वाला ये सर्कल बना हुआ होता है वो किस टाइप से बनाना है हमें और एक पेज के लिए। तो यहाँ पे आप डेट और सर्कल वाले ऑप्शन को बनाने के लिए यहाँ पे दोबारा से होम पेज पे जाइए। यहाँ पे आपको इंसर्ट वाला ऑप्शन पे जाना है, शेप वाले ऑप्शन पे दोबारा से क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बहुत सारी शेप्स दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको जो ये सर्कल के बराबर में ये वाली जो शेप दिख रही है आप इसका नाम भी देख सकते हैं,
राउंडेड रेक्टेंगल, इसको बोलते हैं राउंडेड रेक्टेंगल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको राउंडेड रेक्टेंगल यहाँ पे बना देना है। आप इसे दबाई रहिए और थोड़ा सा कर्सर इधर सीधे हाथ पे कर दीजिए। जैसे आप इसको कर्सर को खींच देते हैं तो आपका राउंडेड जो शेप है यहाँ पर आसानी से यहाँ पर बन चुकी है, देख सकते हैं। अब इस राउंडेड शेप का भी आपको रेड कलर करना है, आपने कॉपी में देखा होगा रेड कलर होता है, तो उसको करने के लिए आपको दोबारा से शेप आउटलाइन वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। शेप आउटलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रेड कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। जैसे ही आप रेड कलर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर रेड कलर आसानी से सेलेक्ट हो जाएगा और आपकी जो शेप का कलर है वो यहाँ पर मैनेज हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे जो हमें लिखना है अपने डेट और अपना जो पेज लिखना है वो कैसे लिखेंगे। राइट क्लिक करके आपको ऐड टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है तो ये कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, आप यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रहे फ्रेंड्स, इसी के बॉक्स के अंदर आप राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आसानी से यहाँ पे लिख पाएंगे। अब यहाँ पे आपको जो भी लिखना है, जैसे कि मुझे यहाँ पे लिखना है डेट, DATE, डेट के बाद मुझे डॉट 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 जितने भी डॉट हैं यहाँ पे डेट लिखने के लिए जो स्पेस देते हैं वो आप लिख दीजिए, फिर उसके बाद शिफ्ट के साथ एंटर दबाइए। ठीक है फ्रेंड्स, जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है उनको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, शिफ्ट के साथ एंटर दबाएंगे तो इसकी जो लाइन स्पेसिंग का मैनेजमेंट है वो अच्छी तरीके से हो जाता है। शिफ्ट के साथ एंटर दबाने पर फिर उसके बाद यहाँ पर पेजेस लिख दीजिए या पेज लिख दीजिए, आप जो भी लिखना चाहें यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ पर पेज खाली पेजेस की जगह पेज लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, पेज लिखने के बाद और यहाँ पे डॉट 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 जैसे कि हमने डेट में करा था, यहाँ पे डेट पे भी यहाँ पे डेट की तरह यहाँ पे भी डॉट 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 कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जैसे डॉट डॉट पूरा यहाँ पे कर देते हैं। अब बात करते हैं डेट और पेजेस को भी हमें जो है रेड में करना है, मतलब कि इसको भी रेड में करना है, ये भी हमारा रेड में दिखाई देना चाहिए। तो उसके लिए आपको कंट्रोल ए प्रेस करना है, मतलब कि इसको सेलेक्ट कर लेना, पूरे सेलेक्ट ऑल कर लेना है इसका, यही कंट्रोल ए जैसे ही मैंने प्रेस करा तो ये डेट और पेजेस मेरे यहाँ पर सेलेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद आपको होम बटन पर जाना है। होम बटन पर जाने के बाद यहाँ पे एक ए वाला ऑप्शन आता है, ए जो इसके नीचे कलर होता है उसमें आपको रेड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, ए वाले ऑप्शन में जैसे कलर वाले सेलेक्ट करते हैं तो यह हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे सही तरीके से आपने देखा कि मेरी कॉपी वाला पेज यहाँ पे आसानी से बन चुका है। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन रह गया हो या कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपकी पूरी हेल्प कर दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।